चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारी जो कंप्यूटर के रिलेटेड सीरीज चल रही है आपकी MPGS एग्जाम के लिए, ये हमारा फोर्थ वीडियो है कंप्यूटर के ऊपर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इस वीडियो का एंड तक, काफ़ी क्वेश्चन हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 10 टू 15 क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। साथ में नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप अपने वन लाइनर क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकें, और साथ के साथ में आप अपना अटैम्प्ट भी दीजिए यहाँ पे कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आपको आते हैं कितने नहीं आते। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई ए कंप्यूटर आर, कौन कौन से काम बेसिकली कंप्यूटर कर सकता है बेसिक परफॉर्म। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, डी ऑप्शन, ऑल दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, आप मुझे लाइव चैट चल रहे हैं यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट करके बता सकते हो करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट बताइए। चलिए एक मिनट हो चुकी है इस क्वेश्चन को, अब देखिए करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ दी अबव। जो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ये सारे के सारे काम आपका कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी टू काइंड्स ऑफ मेन मेमरी आर, 30 सेकेंड हैं आपके पास इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। टू काइंड्स ऑफ मेन मेमरी आर, कौन कौन सी जो मेन मेमरी है कंप्यूटर की, कौन सी होती हैं आपकी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वल, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ द अबव। यस 30 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं आपके, प्लीज कमेंट कीजिए मुझे बताइए। और इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी की बात हो रही है, मेन मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी नहीं, मेन मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज एन आरजीबी मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स अगर आपको प्रिंट आउट लेने हैं, निकालने हैं, बनाने हैं, तो आप किस चीज का यूज करेंगे यहां पे? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा टफ है, आई डोंट थिंक कि किसी का ये सही होगा, किसी को पता है, अगर किसी को पता है तो बताओ लाइव कमेंट में, कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर को आप यूज करेंगे हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, जब आप कोई भी प्रिंट आउट निकलवाते हो, आप अपना एडमिट कार्ड सपोज प्रिंट आउट निकलवाते हो, तो जो उसकी क्वालिटी होती है उसको किस प्रकार से मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MPGS में पहले पूछा भी गया हुआ और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये अपने आप में ही, ये आपको पता होना चाहिए, हमारा डे टू डे लाइफ में भी ये यूज करते हैं प्रिंट आउट वगैरह। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉट पर इंच से आप एक प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर करते हो कि इस प्रिंटर की क्वालिटी कैसी है, प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, Which of the following is not an input device? ये सबका सही होना चाहिए, देखते हैं किस किस का सही होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है इतनी। फर्स्ट ऑप्शन OCR, बी ऑप्टिकल स्कैनर, सी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, एंड डी कॉम, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। देखिए ऊपर हमने पूछा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहां पे अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो भी आप ऑप्शंस में से बायफर्गेट कर सकते हो। देखिए OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, एंड डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन अपने आप में एक डाउट क्रिएट करता है, मींस ये अपने आप में एक आंसर की तरफ इशारा कर रहा है आपको, क्या कंप्यूटर आउटपुट, आउटपुट लिखा हुआ है यहां पे, हमें भी यही पता करना था कि कौन सा इनपुट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म आपका ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है आपका। नेक्स्ट आइए, The term gigabyte refers to, जो आप जीबी की बात करते हो, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 10 GB, 64 GB, 100 GB, refers to 1024 bytes, 1024 kilobytes, 1024 megabytes, 1024 gigabyte। तो जो 1 GB होती है उसके अंदर कितने bytes होते हैं आपके, या कितने kilobytes होते हैं, या कितने megabytes होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1024 MB, MB की बात करते हो, पहले आपकी फोन की मेमोरी MBs में होती थी, जो माइक्रो SD कार्ड आते थे वो MBs में आते थे, आजकल GB में आते हैं, तो 1024 MB इक्विवेलेंट टू 1 GB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The full form of ALU is, ALU, जैसे हम CPU पढ़ते हैं, ALU भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कंप्यूटर का, लैपटॉप का, तो यहाँ पे ALU की फुल फॉर्म क्या होगी? आई होप आपका काफी अच्छा चल रहा होगा प्रिपरेशन MPGS की, थोड़ी डिस्कशंस भी करनी चाहिए बीच बीच में, और GK की भी सीरीज बड़ी जल्दी स्टार्ट होने वाली है,
काम चल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी सीरीज हम स्टार्ट करें तो वो रेगुलर बेसिस पे चले, जैसे अब कंप्यूटर की आपकी रेगुलर बेसिस पे चल रही है, काफी सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो बताइए ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी एरे लॉजिक यूनिट, सी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मींस ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेन WAN वेन स्टैंड फॉर, वेन पढ़ा है ना आपने, लैन वेन मैन, ठीक है, लैन वेन मैन, नेटवर्किंग की टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग होती है, आप नेटवर्क कह सकते हो इनको। इसमें वेन की फुल फॉर्म क्या होती है, वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क एंड ऑप्शन नंबर बी वाइड एरिया नेटवर्क। बी और डी में से एक चूज कीजिए फटाफट। चलिए, जिसने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी वाले गलत है आप सबका, ऑप्शन डी नहीं है करेक्ट आंसर, बी आंसर सही है इसका, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड, अगर किसी कंप्यूटर डाटा में एरर आ जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, चिप, बग, CPU, स्टोरेज डिवाइस। ये सबका करेक्ट होना चाहिए, अगर आपने हमारी प्रीवियस 2 और 3 वीडियोस देखी कंप्यूटर की वहां से काफी कुछ सीख चुके हो आप। देखिए एरर आ जाता है मींस बग आ रहा है, एरर को ठीक करना है, उस प्रोसेसिंग को क्या बोलेंगे, कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए जल्दी 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 जल्दी, क्या बोलेंगे, अगर बग आ जाता है उस बग को रिमूव करने के लिए, उस एरर को ठीक करने के लिए कौन सी प्रोसेसिंग होती है, डिबगिंग। और यहां पे एरर आना मतलब बग आ गया आपके वहां पे, ठीक है, कंप्यूटर में बग आ गया, डाटा में बग आ गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर जो टर्म है उसको कहां से हमने ड्राइव किया है, कंप्यूटर टर्म को, ग्रीक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर, काफी स्टूडेंट्स का सही है ये आंसर, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, लैटिन लैंग्वेज से हमने इस कंप्यूटर टर्म को डिराइव किया है, मतलब लेके आए हम लैटिन लैंग्वेज से कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड, ये जिसने ये क्वेश्चन बता दिया उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर किसी ने भी एक ने भी बता दिया तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, बहुत अच्छी जबरदस्त प्रिपरेशन है कंप्यूटर की आपकी। मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूमुलेटर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट, मेमरी। हां जी आंसर, गुड गुड गुड, फटाफट जल्दी, चलिए करेक्ट आंसर इसका, मेन स्टोरेज मतलब मेमरी, मेन स्टोरेज को हम बोलते हैं मेमरी, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिफोर ए डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डाटा इट मस्ट बी फॉर्मेटेड, रिफॉर्मेटेड, एड्रेस्ड, नन ऑफ द अबव। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्क को यूज कर रहे हो, यूज करना चाहते हो, कैन बी यूज टू स्टोर डाटा, तो इट मस्ट बी, उससे पहले आप क्या करेंगे, आपको भी पता है क्या करते हैं, हम फॉर्मेट मारते हैं ना, एक बार फॉर्मेट मार दे यार, इसको क्लीन अप कर दे, क्लीन हो जाएगी ये पूरी की पूरी डिस्क। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट कर देते हो आप उस चीज को, ठीक है। इंटरेस्टिंग है कंप्यूटर, ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, काफी अच्छा है और अच्छे मार्क्स देगा ये आपको, 10 में से 8 नंबर पक्के हैं आपके। वीडियो सारी अच्छे से देख लीजिए, काफी क्वेश्चन हिंद से आने वाले हैं, लिख के ले लीजिए, ना आए तो मुझे बता देना कि सर आपने बताया था क्वेश्चन नहीं आए, 101% क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, CD ROM stands for, सबका सही होना चाहिए, CD ROM की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन आप सबने पढ़ लिए होंगे, फटाफट आंसर कीजिए फटाफट लाइव में जल्दी। हाँ जी करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आप यहाँ पे सुपर चैट भी दे सकते हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो आप यहाँ पे सुपर चैट भी कर सकते हो, और आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हो आप हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, आउटपुट, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट। सबका सही है ना, सबका सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है। चलिए देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, लैपटॉप का कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड, टाइप करते हो, इनपुट देते हो कंप्यूटर को, लिखते हो कुछ भी, ड्राफ्टिंग कर रहे हो, FIR लिख रहे हो, या कंप्लेंट तैयार कर रहे हो, या आप रिट पिटीशन तैयार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो ना, इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, ठीक है।
कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, बताइए वीजीए की फुल फॉर्म. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, वीडियो ग्राफिक्स एरे इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वीजीए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर इज ए, कर्सर होती है ना हर एक कंप्यूटर लैपटॉप में, कर्सर होती है. क्या होती है कर्सर? इज ए पिक्सल, थिन ब्लिंकिंग लाइन, सी पॉइंटिंग डिवाइस, नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता होना चाहिए. कर्सर से क्या काम करते हैं हम? पॉइंट करते हैं. ये हमारा माई कंप्यूटर का फोल्डर है, ये हमारा जुडिशियल प्रिपरेशन का फोल्डर है, ये हमारी फेसबुक का फोल्डर है शॉर्टकट की यहाँ पे. तो कर्सर क्या होती है आपकी? बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है कर्सर. ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. यहां तक आप सबके काफी सारे क्वेश्चन सही भी हुए, काफी सारे गलत भी हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के. तो इसको रिवाइज कीजिए, वन लाइनर नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए. देखिए कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है लोगों का कभी भी, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, जज बनना है, सपना पूरा करना है, तो लगे रहिए, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा. तो ये था आज की वीडियो में हमारा कंप्यूटर का. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और हाँ, आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है स्क्रीन के ऊपर, आप हमसे जुड़ सकते हो लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए. कंप्यूटर से रिलेटेड क्लासेस भी हो जाएंगी आपकी, और बाकी लो सब्जेक्ट्स की, सिंगल सब्जेक्ट की भी आपकी क्लासेस यहाँ पे चलती रहती है. तो आज की कंप्यूटर की सीरीज ये थी. अब हाल फिलहाल जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम जीके की सीरीज स्टार्ट करेंगे, और एक कंप्यूटर की एक और मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर सीधे वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको दूँ, ताकि आपके शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाए. 50-80 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ पे हमने 60-80 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर लिए. तो ऑलमोस्ट 200 के करीब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे आराम से. ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक और बिल्कुल मोटिवेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, और पढ़ते रहिए या रिवाइज कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी, आराम से एमपी के लिए काफ़ी टाइम है. पैनिक नहीं करना, रिलैक्स होकर प्रिपरेशन कीजिए, रिवाइज बस रिविजन करो. ज़्यादा सोर्सेज की तरफ मत भागो, बेरेट को पढ़ने की कोशिश करो, बेरेट को रिवाइज करने की कोशिश करो. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड लक, सी यू, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर.